सबके दिलों में जो आज भी एक लौ जलती है वो है पूज्य बापू के ऊर्जामय विचारों की वो सुगंध, वो प्रकाश जो सबको प्रकाशित किए हैं। गांधी फॉर न्यू इरा, मुझे लगता है कि एवरी इरा इज़ ए गांधियन इरा। पीपल हैव टू रियलाइज दैट। आई हैव सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर टच्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाई गांधियन टच। देखा, ही वॉज वेरी सिंपल, ही वॉज वेरी नोबल, वेरी हम्बल। जो राज के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जन्म जिन्होंने लिया, इसलिए हमारे विश्व के बड़े ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था, हज़ार साल बाद आने वाली पीढ़ियाँ इस बात पर बहुत मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हाड़ और मांस का बना हुआ पतला सा पुतला कोई ऐसा इंसान धरती पर आया था, दुर्बल सी काया, अद्भुत मनस तेज, गंभीर चिंतन, उनके बारे में कहा उन्होंने, और ये सच है। इसलिए कौन सा गांधी का इरा, मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें गांधियन विचारों को जीने की आवश्यकता नहीं है, हर दिन गांधियन इरा है। वास्तव में बहुत अद्भुत विलक्षण और चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी थे हमारे बापू। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की प्रतिमूर्ति थे हमारे बापू। गांधी जी के विचार हर युग के लिए प्रासंगिक थे और हैं और आगे भी रहेंगे। कि अहिंसा सिर्फ आदर्श नहीं है बल्कि मानव जाति का प्राकृतिक नियम है, इट्स अ वेरी नेचुरल। और अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए ईश्वर में, वो कहते थे, अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। अहिंसा इज द ओनली वे, वही प्रैक्टिकल वे है। और फिर दूसरी बात, वो कहते थे अपरिग्रह, और जो अपरिग्रह है उसका साधारण अर्थ है एकत्रित ना करना, तेन त्यक्तेन भुंजी था। किंतु गांधी जी ने तो और व्यापक अर्थ लिया। उन्होंने कहा, अपरिग्रह का अर्थ है निरंतर श्रम करते हुए समाज से कुछ लेना, बिना श्रम नहीं, बिना श्रम किए किसी चीज पर हक नहीं जताना। अपने तो ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है, अपने तो कस्टोडियन हैं। इसलिए जीवन की अनिवार्यताओं के अलावा जो ज़रूरी है, उसके अलावा जो भी है उसका सबके हित में प्रयोग करो। मेरे पास जो भी है, सर्वे भवन्तु, सबके लिए है, सर्वस्व के लिए है, समाज के हित में उसका प्रयोग करें। ये महात्मा गांधी की जो शिक्षाएं हैं, ये केवल तब के लिए थी क्या? केवल आज के लिए हैं क्या? सदा के लिए हैं। इसलिए इट्स नॉट गांधी फॉर नाउ, आई थिंक गांधी फॉर एवर, गांधी फॉर एवर। इसलिए शिक्षाएं और ज़्यादा प्रासंगिक हैं आज के युग में, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग खो रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी के जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, हम दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ते हुए वो लोग गांधी की ओर दौड़ते रहे, चाहे नेल्सन मंडेला हों, चाहे दलाई लामा जी हों, मार्टिन लूथर किंग, मिखाइल गोर्बाचोव, अल्बर्ट श्वार्ट्जर, विदेशी धरती से जो जितनी भी हस्तियां हैं, उन्होंने अपने देश में गांधी जी की विचारधारा पर चलकर अहिंसा का पालन करते हुए बहुत कमाल का परिवर्तन किया। महात्मा गांधी के विचार केवल गांधी युग तक ही प्रासंगिक नहीं थे बल्कि आज भी उनके विचारों की प्रासंगिकता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो और ज़्यादा। दौड़ती जवानी को अगर नई जवानी चाहिए तो गांधियन विचारों की ओर लौटना होगा। नई दुनिया के निर्माण के लिए वो कहते थे, शिक्षा भी मुझे लगता है कि नई प्रकार की होनी चाहिए, उनके प्रकार की होनी चाहिए, गांधियन प्रकार की होनी चाहिए। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक दर्शन है, न केवल नैतिक और धार्मिक दर्शन है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक भी है। आज भी अपने जैसा लगता है, आज भी जीने जैसा लगता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में उसकी जड़ें निहित हैं तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों से ये पूरा दर्शन युक्त भी है। कई बार बहुत सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन शास्त्र अगर उसको परिपुष्ट नहीं करते हैं तो लोग कई बार उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। गांधीयन दर्शन शास्त्रीय दृष्टि से भी कई दृष्टियों में परिपुष्ट है, और गांधीवादी जो दृष्टिकोण है बड़ा ही व्यवहारिक आदर्शवाद पर
आधारित है। उन्होंने देखिए, अगर उद्योग हो, शिल्प हो, भाषा हो, शिक्षा हो, वेशभूषा की बात हो, सबको स्वदेशी के रंग में रंगने पर जोर दिया, और आज इसी की ज़रूरत है, इसी की आवश्यकता है, आज स्वदेशी की आवश्यकता है, स्वावलंबन की आवश्यकता है, आत्मानुशासन की आवश्यकता है, और स्वदेशी धरती पर स्वदेशी सामान और स्वदेशी संस्कृति वे स्थापित करना चाहते थे। और मुझे लगता है कि आज और आने वाले कल में और आने वाले युग में इसी की नितांत आवश्यकता रहेगी। चरखा ही पकड़ लिया अपने हाथ में, उन्हें देखे ना, हस्त उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, या घर घर में चरखा हो, बात घर घर में चरखे की नहीं थी, एक नया चक्र, एक नया धर्म चक्र चलाने की थी, स्वावलंबन का चक्र चलाने की थी, आत्मनिर्भरता का वो चक्र चलाने की थी, ये चरखा ही सुदर्शन था उनके लिए। और यही तो आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। तो वे हमेशा ये कहते थे, प्रकृति के अनुरूप विकास करें हम लोग, ग्रीन विकास करें हम लोग। देर इज ऑलवेज एनफ फॉर एवरी वंस नीड, बट देर इज नेवर एनफ फॉर इवन वन पर्सन्स ग्रीड। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए बहुत पर्याप्त संसाधन है, कोई कमी नहीं है, परंतु एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए एक धरती नहीं, कई धरतियां भी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि लालच कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड। आदमी का मन ही एक ऐसी वस्तु है, दो रोटी खा लो आदमी का पेट भर जाएगा, लेकिन ना जाने कितना भी इकट्ठा कर लो व्यक्ति का मन नहीं भरता है। इसलिए हमें वो कहते थे, ग्रीड कल्चर से नीड कल्चर की ओर जाना होगा, ग्रीड कल्चर से नीड कल्चर। ग्रीड का कोई अंत नहीं है, लेकिन नीड तो बहुत थोड़ी होती है। खरीदने से पहले मैं सोचूं मुझे कितना चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी मैं ज़्यादा खरीदूंगा, देयर इज़ ए डिमांड एंड सप्लाई, और उस सप्लाई को पूरा करने के लिए उन रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन होगा। हमने दोहन तो करना है थोड़ा सा, लेकिन दहन नहीं करना है। ये यात्रा दोहन से दहन की यात्रा ना हो, ये यात्रा शोषण से पोषण की यात्रा हो, शोषण ना हो, पोषण हो। इसलिए ग्रीड कल्चर से ग्रीन कल्चर की ओर, और ग्रीड कल्चर से हम लोग नीड कल्चर की ओर जुड़े, और नीड कल्चर से नए कल्चर की ओर जुड़े, जिस न्यू की बात कर रहे हैं हम। गांधी जी तो पानी का गिलास भी लेते थे तो थोड़ा सा पिया, बाकी रख लिया, उतना ही लिया जितना ज़रूरत है। यही तो न्यू कल्चर है, इसी को सीखना है यूथ को और सबको। यूज़ एंड थ्रो कल्चर से यूज़ एंड ग्रो कल्चर की ओर बढ़ना होगा। खाया फेंका, खाया फेंका, क्या कल्चर है? यूज़ एंड ग्रो, रीयूज़, रिड्यूस, रीसाइकल, ये जो कल्चर था इसी को जीने वाले थे महात्मा, यही न्यू इरा का कल्चर है।